ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की क्लास चल रही है। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, अलग अलग हमारे इसमें स्लाइड्स के फॉर्म में हमने इसको कवर किया है, जिसके अंदर हमारा पहला पार्ट होगा ओवरव्यू का। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के मेजर और एसेसरीज ऑर्गन्स के बारे में समझेंगे। फिर हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग डिटेल में उसको आगे कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। इसका जो प्रॉपर अगर मैं टोटल पार्ट कहूँ तो ये तीन पार्ट में या चार पार्ट में हम लोग इस लेक्चर को कवर करेंगे। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझेंगे कि कौन सा ऑर्गन किस में काम आता है, किस तरीके से इसका फंक्शन है, खाना किस तरीके से मूव करता है, कौन सा मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सा माइनर इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेजर रोल क्या है डाइजेस्टिव का, क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, क्या सिस्टम है, किस कैसे ये वर्क करता है, कोऑर्डिनेट कैसे होता है, ये सारा कुछ समझेंगे। और दूसरे हमारा जो अदर सिस्टम है, जो कि हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा है, उसमें भी उसका भी यहाँ पे क्या रोल रहता है, किस तरीके से वो भी यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में काम करता है, क्या फंक्शनिंग रहती है, वो सारा कुछ इसमें हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ओवरव्यू, यानी इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो कुछ मेजर और एसेसरीज ऑर्गन के बारे में देखेंगे। अगर मैं बात करूँ मेजर ऑर्गन की, तो यहाँ पे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कुल मिला के पांच मेजर ऑर्गन हैं, जिसमें सबसे पहला ऑर्गन आता है आपका माउथ, फिर आता है आपका ऑइसोफेगस, फिर आता है स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये मेजर ऑर्गन्स हैं जहाँ पे आपका फूड जो है वो मूव करता है। फिर अगर हम बात करें कि एसेसरी ऑर्गन क्या होता है, तो एसेसरी ऑर्गन का मतलब है कि वो ऑर्गन जो कि सपोर्ट करता है, किस चीज़ के लिए सपोर्ट करता है, तो आपके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको कि डाइजेस्टिव फॉर्म में आ जाए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ जूसेस वगैरह सिक्रीट करने का जो काम यहाँ पे कर रहा है वो ऑर्गन है, जो कि लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रिया, ये तीन मेजर ऑर्गन एसेसरी ऑर्गन कहे जाते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि जो प्रोसेस है वो किस तरीके से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। तो प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। खाना, जैसे फॉर एग्जांपल, हमेशा मैं कोई एग्जांपल से समझाता हूँ, तो आज का एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज राजमा चावल, ठीक है। तो राजमा में अपने अलग इंग्रेडिएंट है, राइस में अपने अलग इंग्रेडिएंट है, जब हम उसे बनाते हैं तो हम उसमें स्पाइसेस डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, वाटर डालते हैं, वाटर के अंदर मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपका राइस के अंदर शुगर स्टार्च रहता है, तो ये राजमा के अंदर अलग ऑयल कंटेंट, प्रिजर्वेटिव है, सीड्स है वो एक तरीके का। तो अब ये सारी चीज़ें जो हम खा रहे हैं यहाँ पे, ये मल्टीपल चीज़ें हम खा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ में हम कुछ फैटी चीज़ भी लेते हैं, अगर आप चिप्स वगैरह खा रहे हो तो उसमें ऑयल होता है, वो फैट भी आ गया उसके अंदर। तो ये अलग अलग चीज़ें जो आप इसके साथ खा रहे हो, तो सैलेट होता है तो उसमें फाइबरस चीज़ें भी आ गई खाने के साथ में, और अगर आप कुछ जैसे दही या छाछ ले रहे हो तो उसमें मिल्क प्रोडक्ट के भी कुछ आइटम आ गए। तो अब ये मिक्सचर जो आप खाना खा रहे हो, ये क्या है, सबसे पहले ये जो है इसको ब्रेक डाउन करता है, फिज़िकल ब्रेक डाउन करेगा, और फिज़िकल ब्रेक डाउन करने के बाद उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे कि आपका जो इंटेस्टाइन के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पिलाईज हैं वो वहाँ से उसको एब्जॉर्ब कर सके, यानी वो चीज़ जो है आपके ब्लड के अंदर जा सके। तो उसको उस प्रोसेस तक को पहुंचाने में, उस प्रोसेस तक को ले जाने में एक सर्टेन टाइम पीरियड लगता है, एक टाइम टेन्योर लगता है पूरा। वो टाइम टेन्योर क्या कहता है कि वो मेजर और एसेसरीज दो पार्ट का डाइजेस्टिव सिस्टम का मिला के जो बनता है वो है। जो मेजर पार्ट में है माउथ क्या करता है, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। माउथ सबसे पहले आपके सॉलिड फूड को क्रश करता है, यानी तोड़ने का काम करता है। तोड़ने के बाद फिर वो ऑइसोफेगस की हेल्प से स्टमक में जाता है। ऑइसोफेगस के अंदर एक रिथमिक मूवमेंट होती है, जो रिथमिक मूवमेंट हेल्प करती है खाने को मूव करने में। और माउथ में ही जो सॉलिड खाना है वो क्या होता है, बोलस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। बोलस फॉर्म क्या होता है, तो बोलस फॉर्म जो है आपका वो खाने का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें खाना जो है एक अंडाकार शेप में हो जाता है, एग शेप में हो जाता है, लेकिन वो एग शेप जो है हार्ड नहीं होता, वो एक जेली सब्सटेंस की तरह हो जाता है। जैसे हम लोग बचपन में जेली खाते थे, सॉफ्ट होती थी थोड़ी सी, लेकिन एक सॉलिडिफाइंग फॉर्म में होती थी, उस फॉर्म में रहता है। फिर वो वहाँ से एपिग्लॉटस की हेल्प से जाता है आपका स्टमक में। स्टमक में जाने के बाद उसमें स्टमक के अंदर तीन चार जूसेस सिक्रीट होते हैं, HCl सिक्रीट होता है, पेप्सिन सिक्रीट होता है, ठीक है, म्यूकस सिक्रीट होता है। तो वो क्या करता है, आपके स्टमक के अंदर उस फूड को लिक्विड फॉर्म, यानी अब सूप फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जा रहा होता है, तो हमारे जो एसेसरीज ऑर्गन है, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रिया, ये भी क्या करते हैं, अपने अपने जूसेस सिक्रीट करते हैं उस खाने में, जिससे क्या होता है, वो सूपी फॉर्म का जो खाना है वो अगेन मॉलिकुलर फॉर्म में
क्या करता है, डिवाइड होना शुरू हो जाता है, फैट डिवाइड हो जाएगा, विटामिन डिवाइड हो जाएगा, मिनरल डिवाइड हो जाएगा, जिससे आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर इजीली वो एकदम माइन्यूट फॉर्म में, मॉलिकुलर फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जा सके। तो यहाँ एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा किया जाता है। बात करें लिवर की, तो लिवर अलग अलग जूसेस सिक्रेट करता है, जिसमें से एक कॉमन जूस जो है वो बाइल जूस होता है, जो कि गॉल ब्लैडर के द्वारा स्टोर करके रखा जाता है हमारी बॉडी में, जिससे जब भी हमारी बॉडी को कोई फैट डिजॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है, और वो बाइल जूस फिर उस फैटी सब्सटेंस को डिजॉल्व करके यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। पेनक्रियाज वहीं पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जो कि अगेन जो आपके फूड के मॉलिकुलर पार्ट को, मतलब फूड को मॉलिकुलर लेवल पे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। बात करें मेजर ऑर्गन में, सबसे पहले अब माउथ की, तो बात करते हैं अब माउथ की। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि माउथ के अंदर जो हमारा पीएच लेवल है, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंट्री पॉइंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, या एंट्री पॉइंट ऑफ फूड भी कहा जाता है माउथ को, ओरल कैविटी के अंदर ये पूरा काम चलता है। इसके अंदर आपका है ओरल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया, टंग हो गया, ये मेजर पार्ट है यहाँ पे तीन, जो आपके मोस्टली माउथ एरिया और नेक एरिया में कवर करते हैं। अब बात करें पीएच लेवल की, तो भाई हमारा पीएच जो है, एक इंडिविजुअल पीएच का मतलब समझ लेते हैं। पीएच का मतलब होता है कि किसी भी लिक्विड पार्ट में या किसी भी सॉलिड पार्ट में, जो हल्का सॉलिड हो या लिक्विड हो, सेमी सॉलिड हो, अगर उसका पीएच 7 से कम है, यानी वो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा। और पीएच होता क्या है, तो फ्री एच पॉजिटिव आयन अगर किसी भी सब्सटेंस में प्रेजेंट है, उसके अंदर एक वाइब्रेशनिंग मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे मिर्च है, जैसे आप मिर्च काटते हो, उसका पीएच जो है 7 से कम होता है तो हमें तीखा लगता है। या एसिड है, तेज़ाब, अगर वो हमारे हाथ पे लग जाए तो हाथ को जला देता है, उसका पीएच क्या होता है, कम होता है। जो आपका नहाने वाला सोप है, उसमें भी पीएच जो है वो 7 के आसपास ही रहता है, 6.5 हो सकता है, 6.8 हो सकता है, ले 8.1 हो सकता है, 7.10 हो सकता है, तो ये पीएच जो है आसपास ही रहता है, जिससे हमारी बॉडी को नुकसान ना हो, जो ऑयली स्किन है वो ऑयल को रिमूव किया जा सके, वो तो पीएच कम रहेगा। किसी का ड्राई स्किन है तो उसमें पीएच थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा रहेगा, एल्कलाइन सोप रहेगा। तो ऐसे ही हमारे डेली यूजेबल आइटम में जो पीएच है वो 7 के राउंड फिगर में ही रहता है, जिससे हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता। कॉस्मेटिक आइटम ले लीजिए आप, कोई फूडेबल आइटम ले लीजिए, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपके चिलीज़ हैं जिसे हम मिर्च कहते हैं, उसमें कई सारे चिलीज़ के अंदर आपका पीएच लेवल काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हमें तीखा देखने को टेस्ट में मिलता है। दूसरा आपका जो कुछ डिटर्जेंट है या डिसइन्फेक्टेंट है, उसमें देखा गया है, जैसे एसिडिक है, चाहे वो H2SO4 हो या HCl हो, ये सारे जो एसिड्स हैं, इसमें जो पीएच लेवल है वो बहुत ही कंसंट्रेटेड पीएच लेवल भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हाथ वगैरह जलने का भी एक खतरा रहता है। या आपके घर में आप लाइजॉल यूज़ करते हो, डिटॉल सॉरी हार्पिक यूज़ करते हो, उसका भी पीएच थोड़ा कम होता है, कभी देखा होगा आपने नोटिस करके, कि कहीं अगर हाथ आपका हल्का हल्का फुल्का भी कटा हुआ हो और उसके ऊपर हार्पिक गिर जाए या लाइजॉल गिर जाए, तो हल्का सा जलने लगता है, हाँ जलन जैसी महसूस होती है, वो उसका रीज़न होता है कि आपका जो पीएच लेवल है उस डिसइन्फेक्टेंट का, वो 7 से कम रहेगा। अब अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ माउथ की, जो कि क्या है आपका उसके अंदर, सबसे पहले तो दो पार्ट में डिवाइडेड है ये, टीथ और स्लाइवरी ग्लैंड। टीथ का क्या काम होता है, तो टीथ का काम होता है यहाँ पे आपका कट करना, टीयर करना, क्रश करना, ग्राइंड करना, किस चीज़ को, खाने को। कट का मतलब होता है काटना, टीयर का मतलब होता है फाड़ना, क्रश का मतलब होता है उसे पीसना, ग्राइंड का मतलब बिल्कुल उसे महीन बना देना, बारीक कर देना, ठीक है। क्रश मतलब बूकना भी कह सकते हो आप, जैसे इमामदस्ते में जैसे बूकते हैं, तो हमारे दांत क्या करता है, ये सारे काम करता है। स्लाइवरी ग्रैंड क्या करता है, आपका सीक्रेट करता है स्लाइवा को, जो कि ओरल कैविटी के अंदर रहता है। इससे पहले हमने तीन पार्ट के बारे में बताया था, क्या क्या स्लाइवरी ग्रैंड रहते हैं एक बार रिवाइज बताएंगे। तो यहाँ पे हमारे तीन स्लाइवरी ग्लैंड रहते हैं, जो कि सब लिंगुअल, सब मैंडिबल और पैराटॉइड, ये तीन मेजर स्लाइवरी ग्लैंड हैं, जो कि क्या करते हैं खाने को प्राइमरी ब्रेकडाउन, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है माउथ के अंदर, ये ध्यान रखना। स्लाइवा जो है वो क्या करता है, खाने को थोड़ा सा सॉफ्ट बना देता है, ठीक है, मॉइस्टी बना देता है, और वो क्या करता है आपके स्लाइवरी ग्लैंड के जो एंजाइम, जो आपके बेसिकली एंजाइम्स हैं एक तरीके से, जो स्लाइवरी ग्लैंड द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, और ये डाइजेशन में क्या करता है, स्टार्च को भी क्या करता है, स्मॉल पार्ट में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। फंक्शन की बात करें यहाँ, तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है माउथ का, वो मेजर क्या है आपका, मैकेनिकल डाइजेशन है। मैकेनिकल का मतलब है यहाँ पे खाने को फिजिकली ब्रेक डाउन किया जा रहा है। उसके बाद जो इनिशियल आपका जो स्लाइवरी ग्रैंड है वो क्या करता है, पहला प्राइमरी
सरफेस एरिया जो है फास्टर कर देता है केमिकल को डिसॉल्व करने के लिए। अगर इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि भाई मान लो अगर हमें कोई एक गुड़ है, गुड़ का ढेला है या चीनी का एक बड़ा टुकड़ा है, ठीक है, या नमक का टुकड़ा मान लो, एक नमक, एक तो बारीक पिसा हुआ नमक होता है और एक जो थोड़े से टुकड़े में नमक आता है वो हो गया, ठीक है। तो जो बारीक पिसा हुआ नमक है वो पानी में जल्दी घुल जाएगा, वहीं अगर आप थोड़ा सा बड़ा मोटा टुकड़ा लोगे तो उसको घुलने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रश कर दिया जाता है उससे क्या होता है कि आपका डिजोल्वेशन जो है वो बहुत आसानी से यहाँ माउथ के बाद आगे पॉसिबल हो पाता है। तो माउथ का जो प्राइमरी फेस है वो दो फंक्शन में मेजर काम करता है, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, जिससे आपका जो केमिकल डाइजेशन है वो भी आसानी से प्रोसेस में हो सके, यानी फास्ट हो सके। ऑइसोफेगस क्या है? ये एक तरीके का ट्यूब है जो कि क्या करता है, माउथ को और स्टमक को जोड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो थोरेसिक कैविटी जो है इसको कवर करता हुआ ये क्या करता है, खाने को माउथ से आपके स्टमक में ले जाने में हेल्प करता है। अब ये कैसे हेल्प करता है, तो ये आपका बोलस फॉर्म में खाने को मूव करने में हेल्प करेगा। बोलस फॉर्म में कैसे, तो इसके अंदर एक रिदमिक मूवमेंट होती है। बात करें दो तरीके से आपका यहाँ पे है, जो आपका ओरल कैविटी फेरिंग्स है, यहाँ पे एक एपिग्लॉटस एपिग्लॉटस के नाम से आपका क्या रहता है, एक डोर टाइप रहता है जो कि विंड पाइप को, यानी आपके किसको, ट्रैकिया को और ऑइसोफेगस को सेपरेट करके रखने में हेल्प करता है। ट्रैकिया मतलब आपका विंड पाइप हो गया और ऑइसोफेगस हो गया आपका फूड पाइप। ये क्या करता है, एपिग्लॉटस एक तरीके से इसको डबल डोर का काम करेगा। एक साइड जब आप सांस लोगे तो ट्रैकिया को ओपन करेगा और जब आप खाना खाओगे तो फूड पाइप को ओपन करेगा, यानी आपके एपिग्लॉटस को ओपन करेगा, जिससे आपका जो खाना है वो प्रॉपर आपके स्टमक में जाए और जो सांस ले रहे हो वो प्रॉपर आपके लंग्स में जाए। इसका आपस में मिक्सचर ना हो, इसका जो काम है लोकेशन का, यानी आपके एपिग्लॉटस का, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। ऑइसोफेगस के जस्ट अपर डोर यानी माउथ से जब आपका स्टमक में एंटर कर रहा होता है खाना, वहीं पे ये जो है एपिग्लॉटस लोकेटेड रहता है, जिससे किसी भी तरीके का कोई भी रॉन्ग पाथवे ना हो। इसमें आप देखते हो कि कई बार हम खाना खाते खाते अगर कुछ बोल पड़ते हैं या फिर सांस ले लेते हैं तो हमें हल्का सा सरक सा जाता है, मतलब जो खाना है हमारा वो विंड पाइप की तरफ गलती से मूव हो जाता है। तो हमारा जो बॉडी का रिवर्स मैकेनिज्म है वो क्या करता है, खाने को वापस से बाहर माउथ के बाहर की तरफ फेंकता है, ठीक है। आम भाषा में हम इसे कहते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि भाई खाना खाते खाते फंदा लग गया या सरक गया खाना, अटक गया खाना। तो वो क्या है, वो आपके जो एपिग्लॉटस है वो एक मल्टीपल फंक्शन में काम कर रहा है। जैसे आप खा भी रहे हो, खाते खाते आपने कुछ बोल दिया और आपने उसी टाइम पे जो आपका खाना था वो थोड़ा बहुत भी अगर 0.1% भी आपके गले के अंदर गया उस टाइम पे, यानी फेरिंग्स को क्रॉस कर दिया उसने, तो अगर आप बोल रहे होगे तो वो विंड पाइप की तरफ जाने विंड पाइप की तरफ चला जाएगा, क्योंकि जब आप बोलते हो तो आपके लंग्स में जो एयर है वो रिलीज होती है आपके, जिसकी वजह से आपका जो हॉइड बोन है और जो मसल्स है वॉइस बॉक्स की, वो एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी एंगल पे वर्क करती है, तो एक साउंड वेव प्रोड्यूस होती है जिसको हम आवाज़ बोलते हैं। तो वहाँ पे वो जब प्रोड्यूस हो रहा था तो उस टाइम पे वो खाना हमारा बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत ही छोटा पीस बोलस का टूट के अगर उस साइड में, यानी आपके ट्रैकिया के साइड में चला जाता है, तो एकदम से हमारी बॉडी जो है वो एक रिवर्स मैकेनिज्म प्रोसेस में लेके आती है, जिससे हमें एक खांसी सी या हल्का सा, जैसे कहते हैं ना कि खुशकी सी आई, तो वो एक रिवर्स मैकेनिज्म होता है जो एयर प्रेशर की हेल्प से आपका जो खाना गलती से ट्रैकिया में चला गया एपिग्लॉटस की वजह से, ओपन होने की वजह से, वो वापस से आपके माउथ की तरफ आ जाता है। अब होता क्या है भाई कि यहाँ तो ये तो समझ में आ गया ऑइसोफेगस में, तो ऑइसोफेगस में सॉलोंग, सॉलिंग का मतलब होता है घोटना, ठीक है। जैसे हम पानी पीते हैं तो बोलते हैं ना कि भाई घूट घूट करके पानी पियो, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो आपकी मूवमेंट है वो प्रॉपर आपकी रिथमिक मूवमेंट ही बनी रहे, जो विंड आपकी ऑइसोफेगस के अंदर रहती है, जिससे जो आपका खाना या पानी है वो एक प्रॉपर तरीके से पेट में जाए, बीच में कहीं फंसे नहीं, ठीक है। कहते हैं ना खाना खाते खाते अटक सा गया, अटक गया मतलब कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई फंस रहा है खाना, तो हम फिर पानी का एक घूट लेते हैं तो वो पानी के प्रेशर से स्टमक के अंदर जाता है। तो अगर आप अच्छी से खाने को चबा रहे हो, स्लाइवा आपका प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो बोलस फॉर्म का खाना आपका कभी भी जब आप खाओगे तो वो आपके कहीं भी ऑइसोफेगस में फंसेगा नहीं, अटकेगा नहीं। बात करते हैं फूड ट्रैवल की, कि तो किस तरीके से ट्रैवल करता है। यहाँ डायग्रामेटिकली आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्राउन कलर के फॉर्म में आपका जो है वो फूड बोलस फॉर्म में दिखाया जा रहा है, जो कि क्या है, और इसको काइम भी कहते हैं। काइम हम इसलिए ज़्यादा काइम नहीं बोल सके, बोलस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अंडाकार शेप में आपको देखने को मिल रहा होगा, काइम और चाइम जो है वो वहाँ पे
आपका लिक्विड फॉर्म, सूप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फूड क्या है, ऑइसोफेगस से स्टमक की तरफ जा रहा होता है, जो कि क्या है, एक वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ खाना है उस तरफ थोड़ा सा उठा हुआ है और जहाँ खाना नहीं है उस तरफ हल्का दबा हुआ है, रिदम है, वेव लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और ये वेव लाइक स्ट्रक्चर ही जो है आपका खाना मतलब उल्टा नहीं आने देता है। उल्टे का मतलब है अगर आप लेट के भी खाओगे तो खाना मुँह से पेट में ही जाएगा, पेट से वापस मुँह में नहीं आएगा। या अगर आप हल्का सा उल्टा होके भी पानी पियोगे तो भी जो आपका पानी है वो आपके पेट में ही जाएगा, वापस मुंह में नहीं आएगा। अभी प्रैक्टिकल मत करना, नहीं तो सरक भी सकता है, मतलब वही वापस से आपके विंड पाइप में आ सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन तरीके से करोगे तो वो प्रॉपर आपके पेट में ही जाएगा, और वो जाता किस वजह से है, तो वो इसी रिदमिक मूवमेंट की वजह से ही मूव कर रहा होता है। बात करें यहाँ ऑइसोफेगस के अंदर, तो एक लाइनिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा म्यूकस का, जिसकी वजह से क्या रहता है कि आपका खाना जो है वो प्रॉपर सॉफ्ट रहता है, स्मूथ वे में आपका जो माउथ से जो खाना है वो आपका स्टमक के अंदर जाता है, किसी भी तरीके का आपके फूड पाइप को डैमेज नहीं करता है। अब डैमेज कई के बाद कैसे हो जाता है, जब आप कोई कोई बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ खा रहे हो और आपने उसको अच्छी से, आपके माउथ ने उसको क्रश नहीं किया है, जैसे मान लो कोई आप नॉनवेज में बोन गलती से खा लेते हो, तो वो बोन क्या होता है, गले में फंस जाता है और वो चीरता हुआ कई बार वो पेट के अंदर जाता है, तो हमारा जो ऑइसोफेगस है वो डैमेज हो जाता है, वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड फ्लो भी देखने को मिलता है। या फिर अगर कोई वैसी आप सॉलिड चीज़ खा रहे हो और आपने ढंग से उसको क्रश नहीं किया, अब जीरा है बहुत छोटा सा होता है, ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा में आपने उसको खाने में लिया है और वो अच्छी से आपके माउथ में क्रश नहीं हुआ है, तो वो क्या होगा, आपके ऑइसोफेगस में इधर उधर कहीं ना कहीं वो स्टिक करेगा, चिपकेगा, या फिर अगर वहाँ फंसेगा तो उसको हल्का सा पिंच, मतलब एक कह सकते हो इंसेशन, बहुत माइनर सा आपको एक चुभने जैसा महसूस भी होगा, ठीक है। तो वहाँ पे कई बार आपने देखा है कि आपको खाने में जलन होती है, ये जलन का कारण जो है वो दो रीज़न हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना कि खट्टी दकारें आ रही हैं जी, ठीक है, एसिडिटी यानी जलन हो रही है, वो जलन क्या है, तो आपके स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो कभी कभार क्या होता है, आपके विंड पाइप सॉरी ऑइसोफेगस के अंदर, फूड पाइप के अंदर आ जाता है, ठीक है। इतना ज़्यादा गैस स्टमक बन रहा होता है हमारे पेट में, जिससे कि वो जो मूव करता है, ठीक है, वो आपका स्टमक गैस होता है, वो आपका विंड ऑइसोफेगस में आता है, फूड पाइप में आता है, वो फूड पाइप में जब मूव करता है तो बहुत माइन्यूट जो HCl है वो ज़रा सा भी अगर आपके फूड पाइप में आता है तो आपको एसिडिटी यानी जलन जैसा महसूस होता है। तो उस फॉर्म में जो डॉक्टर है वो डाइजीन देता है, डाइजीन बेसिकली एक बेसिक सब्सटेंस होता है जिसकी हेल्प से आपका वो जो एसिड है, एसिडिक पार्ट जो है, जो आपके फूड पाइप को डैमेज कर रहा होता है, वो थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। या इनो ले लेते हो, वो भी एक तरीके का बेस ही होता है। अब बात करते हैं ऑइसोफेगल स्फिनिटर के बारे में। स्फिनिटर क्या है आपका, स्फिनिटर जो है वो एक तरीके का लॉक सिस्टम होता है, जो आपके ऑइसोफेगस और ड्यूडेनम जहाँ से स्टमक ज्वाइंट हो रहा होता है वहाँ पे रहता है, जिससे आपका जो स्टमक के अंदर खाना है वो स्टमक से बाहर नहीं जाता, वो 3 से 3.5 घंटे या 4 घंटे स्टमक में ही मिक्स होता है अच्छी तरीके से। तो स्फिनेटर का काम है बेसिकली होल्ड करके रखना, कि जैसे आप मान लो आपने खाना खाया और आप सर के बल खड़े हो गए, तो अब भाई अगर स्फिनेटर नहीं रहेगा तो क्या होगा, पेट का खाना वापस से मुंह से बाहर आ जाएगा, वॉमिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका स्फिनेटर ड्यूडेनम के पास वाला भी नहीं हुआ तो वो खाते ही सीधा क्या होगा, खाना सीधा इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो है वो ढंग से नहीं हो पाएगा। तो स्फिनेटर का काम होता है एक तरीके से लॉक करके रखना, दरवाजों को बंद करके रखना, ठीक है, एक तरीके से डबल डोर है ये, ठीक है। लोअर ऑइसोफेगल स्फिनेटर की बात करें तो वो आपका ऑइसोफेगस और स्टमक के बीच में रहता है, जिससे जो आप बोलस फॉर्म में खाना खाते हो वो आपके स्टमक में जाता है और फिर वो वापस से लॉक हो जाता है, जिससे वो खाना रिवर्स आपके ऑइसोफेगस में ना आए। वहीं बात करें आपका पॉलरिक स्फिनेटर के बारे में, तो ये ड्यूडेनम में रहता है और ड्यूडेनम वाले साइड पे रहता है, जिससे आपका खाना जो है वो एकदम से ड्यूडेनम के अंदर ना जाए, प्रॉपरली मिक्स हो सके। मेजर फंक्शन की बात करें कि भाई ऑइसोफेगल स्फिनेटर का मेजर फंक्शन क्या है, तो ये प्रिवेंट करता है आपका स्टमक एसिड को, जिससे आपका स्टमक के अंदर जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है, जो खाने में मिक्स हो रहा है, उसको डिसॉल्व करने के लिए, वो आपका ऑइसोफेगस को भी डैमेज ना करे और आगे इंटेस्टाइन को भी डैमेज ना करे, वो वहीं पे उसको होल्ड करके रखे, उसको डिसॉल्व करके रखे, ठीक है। जैसे आप खाना नहीं भी खा रहे हो तो आपका स्टमक जो है वो HCl प्रोड्यूस कर रहा है,
ठीक है। और उस टाइम पे अगर आपका स्फिनिटर जो है वो खुल जाता है तो क्या करेगा वो, आपके अगर ड्यूडनम के साइड वाला खुलेगा तो ड्यूडनम और इंटेस्टाइन को डैमेज करेगा, अगर ऑइसोफैगल के साथ साइड वाला खुल जाएगा तो आपको क्या होगा, एसिडिटी सी महसूस होगी, खट्टी डकार जैसी महसूस होगा। आगे बात करते हैं अब स्टमक की। तो अगर हम शेप की बात करें स्टमक की, तो ये जे शेप का जो है एक बैग है। बेसिकली स्टमक क्या है, एक बैग है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। इनर जो है इसका वो लाइनिंग स्ट्रक्चर रहता है, अगर हम बात करें तो हल्का सा पर्पलिश कलर का ये रहता है। फंक्शन की बात करें तो इसके अंदर जो है वो मिक्सिंग का काम होता है, जो जूसेज हैं आपके लीवर और पेनक्रियाज और स्टमक खुद जो प्रोड्यूस कर रहा है, वहाँ से जूसेज यहाँ पे आते हैं और खाने को मिक्स करते हैं, एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में इसको सूप फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी काइम और चाइम में यहाँ खाना जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। गैस्ट्रिक जूस इसके अंदर मिक्स होता है, जिससे जो खाना है वो ब्रेक डाउन होने के लिए तैयार होता है। बात करें कि क्या क्या इसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेज रहते हैं, तो HCL रहता है, सॉल्ट रहता है, एंजाइम रहता है, वाटर रहता है, म्यूकस रहता है। HCL का काम जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है, बैक्टीरिया को मारना है। अगर आप कोई कंटेमिनेटेड चीज़ खाते हो तो वो हमारे पेट में कई बार क्या होता है, वो बैक्टीरिया को मार भी देता है। लेकिन एक ई कोलाई, एसरिचिया कोलाई ऐसा एक बैक्टीरिया है, ये नोट करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसरिचिया कोलाई एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कंटेमिनेटेड फूड की वजह से आपको लूज मोशन कॉज करता है, वो आपके स्टमक में बैक्टीरिया जो है वो किल नहीं, 100% किल नहीं हो पाता है। अगर आप स्ट्रीट फूड कोई खा लेते हो कार्ट का जो कि कंटेमिनेटेड है, यानी किसी पैथोजन से कंटेमिनेट किया गया है, जो कि एसिडिचा कोलाई बैक्टीरिया है, तो आपको लूज मोशंस या स्टमक क्रैम्प वहाँ देखने को मिलेगा। बोलस फॉर्म का जो खाना है, जिसको हम काइम या चाइम फॉर्म में कहते हैं, ये आपका गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिलके एक सूप फॉर्म में, यानी काइम या चाइम फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है बोलस फॉर्म को। एंजाइम बात करें तो आपका ये एसिडिक एनवायरमेंट जो है HCL प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, बोलस खाने को फॉर्म को pH को मेंटेन करेगा, और अप्रॉक्सीमेटली आपके स्टमक के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अप्रॉक्सीमेटली जो स्टमक के अंदर pH लेवल रहता है वो 2 के आसपास रहता है, आपका 2 और 3 बहुत ज़्यादा एसिडिक है। म्यूकस क्या करता है, तो आपके स्टमक का जो स्किन सरफेस है उसको प्रिक्वेट करके रखता है इतने कम pH से, जिससे आपका स्टमक जो है कभी भी जलता नहीं है। अगर 2 pH का एसिड HCl आपके बॉडी पे गिर जाए तो वो स्किन के सरफेस को डैमेज कर देता है, लेकिन वो म्यूकस की वजह से जो स्टमक प्रोड्यूस करता है उसकी वजह से जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का इनसाइड वाला लेयर है, यानी इनर सरफेस ऑफ द स्टमक जो है, ये प्रिजर्व रहता है। पेंसिलिन सिक्रेशन की बात करें तो ये क्या करता है, आपका रिस्पॉन्सिबल है ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोटीन को, फूड को, और हाइड्रोलाइज करता है प्रोटीन को, यील्ड्स प्रोड्यूस करता है यहाँ पे। इसमें pH जो है वो 2 रहता है, जिसकी वजह से एंजाइम जो है सलाइवरी ग्लैंड जो है उसका ब्रेक डाउन होना कार्बोहाइड्रेट में शुरू हो जाता है, यानी जो आपका कार्बोहाइड्रेट जो कंज्यूम हो रहा है बॉडी के अंदर में, जो आया है उसका भी ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, और वही कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा होता है। तो आज हम यहीं स्टमक के इतने पार्ट तक ही पढ़ते हैं, कल हम एंजाइम ऑफ स्टमक जो हमने अभी थोड़ा सा ब्रीफ किया है यहाँ से दोबारा से शुरू करेंगे, ठीक है, और समझेंगे फिर उसके बाद कि आपका स्फिनिटर जो है वो कैसे काम कर रहा है, और किस तरीके से जो आपका प्रोटेक्टिव म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कैसे आपके स्टमक के अंदर आपको स्टमक को स्टोर सेफली रखता है। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू।